बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है मेरा चौथा रोज़ा। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:05 और मैं बना रही हूँ अपने लिए सहरी, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे कल सख्ती से मना किया था कि या तो अम्मी कहती है कि तुम मुझे सहरी टाइम उठा दिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने रोज़े के लिए किसी और को जगाऊँ। तो मैं इसलिए क्या करती थी कि सहरी में बस जो भी कुछ मुझे नज़र आता था, सामने नज़र क्या आता था, मैं रात को ही अपने रूम में रख के सो जाती थी और फिर सुबह में उठ के बस वहीं पे अपने रूम से बाहर ही नहीं जाती थी, वहीं पे सहरी करके तो फिर मैं सो जाती होती थी नमाज़ पढ़ के। तो अम्मी ने कहा, मुझे सख्ती से मना किया कि भाई अगर तुमने सहरी के बगैर रोज़ा रखना तो आइंदे समय तुम्हें रोज़ा नहीं रखने देना। फिर अम्मी सारा दिन गुस्सा करती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि भाई अम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, सहरी बना लेनी चाहिए। तो वंस अपॉन अ टाइम आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वर डिस्कसिंग आर कुकिंग डिज़ास्टर्स। तो उन कुकिंग डिज़ास्टर्स में से एक रेसिपी मेरे माइंड में रह गई, ये मेरी नहीं, ये उनकी रेसिपी थी। तो मैंने सोचा कि आज यही ट्राई कर लेते हैं। और जैसे कि आपको अब नज़र आ रहा होगा कि ये एक पराठा इन मेकिंग है, अभी शायद आपको समझ तो ना आ रहा हो, बट दिस इज़ एक्चुअली अ पराठा, आई एम ट्राइंग टू मेक अ पराठा। और हम लोगों की अम्मियों का एक थोड़ा सा मसला होता है कि अगर हम एक टाइम का खाना भी मिस करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो पता नहीं कितना कोई वीक हो गया और कितने पौंड वेट उसका कम हो गया और कितने किलो खून, खून किलो में होता है, आई नो जिसमें भी होता है। तो मेरी अम्मी को, अम्मी मुझे कल भी कह रही थी अफ्तारी टाइम के लिए, देखो तुम कितनी वीक हो गई हो, खबरदार अब ये आखिरी तुम्हारा रोज़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा ओके। वैसे मैं खुद भी सोच रही थी कि अब मेरे 4 रोज़े हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा गैप दूँगी और फिर नेक्स्ट वीक में मे बी जब भी दिल किया तो किसी दिन रख लूँगी। और आपने ज़िंदगी में ऐसा पराठा ना कभी देखा होगा ना सुना होगा, मैंने सुना था इसलिए मैंने बना दिया। ओरिजिनल रेसिपी हमने डिस्कस की थी वो, उसमें सिर्फ ये एक पराठा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई, इसके ऊपर अंडा डाल के इसको अंडा पराठा बना दिया। और जी मैंने सोचा कि जहाँ पर मैं इतना मुशक्कत करके अंडा पराठा बना रही हूँ, तो साथ में चाय भी बना लेती हूँ। चाय भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा अरसे बाद बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी या मेरी बहन ही चाय बनाते हैं। और आज मुझे एक और बात पता चली कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ और टैलेंट्स होने के साथ साथ वर्किंग अंडर प्रेशर और वर्किंग अंडर स्ट्रेस की एबिलिटी भी है, क्योंकि टाइम कम और मुकाबला सख्त है, और फिर भी मैं ये सब कुछ बना रही हूँ। And this is how it looks like. Oh my goodness! देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रहा है। मैं सिर्फ एक ही दुआ कर रही हूँ इस वक्त कि ये कच्चा ना रह गया हो। और वैसे मैंने जब मैं उसका बैटर बना रही थी तो मैंने नमक डाला था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अंडे के ऊपर भी थोड़ा सा नमक होना चाहिए, तो लग रहा है कि ये कच्चा ना रह गया हो, क्योंकि कहीं कहीं से ये बहुत ज़्यादा मोटा था। तो खैर रेडी क्या हुआ तो मैंने खुद ही खाना है, कौन सा मुझे किसी ने बात नहीं सुना ली कि दिस इज़ कच्चा, दिस विल नॉट बी कच्चा, इंशाल्लाह ये पूरा पक चुका होगा। अगर नहीं भी पका हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, खुद पकाया है खुद खाना है। एक तो इस टाइम पे खड़े होके मैं अंडे पराठे बना रही हूँ, और नखरे देखो ज़रा मेरे कि ये कच्चा ना हो। वाओ, इट लुक सो गुड। इसको सही कर देते हैं, 10 मिनट रह गए सिर्फ। उसमें ये चीज़ें ठंडी भी करनी, क्योंकि मैं चाय ठंडी भी थी और गर्म ऑफकोर्स पराठा भी निकाल सकती। और नहीं, 10 मिनट के अंदर मैंने ये सब कुछ खाना भी है, क्योंकि उसके बाद 10 मिनट के बाद आई थिंक अजानें शुरू हो जाती हैं। जब अजान शुरू होती है तो फिर अफ्तारी का सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। ये करना था असल में सिर्फ चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करना था, जो हम आहिस्ता करके बिल्कुल ही भूल गई थी। अगर आप तेज़ करेंगे तो ये दोनों साइड बहुत अच्छे से ऐसे पक जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये बैक साइड की थी, इसकी बहुत कच्ची थी, तो अब ये पक चुकी है, क्योंकि मैं चूल्हा तेज़ कर दिया। हाउ इंटेलिजेंट आई एम, आई एम सो प्राउड ऑफ मी, माशाल्लाह माशाल्लाह।